हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ शर्मिला दी है, मतलब जो शर्मिला चक्रवर्ती है, उनका मैं इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मतलब शर्मिला दी ने एक ट्रेडिशनल मेकअप लुक क्रिएट किया था, वही आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ। सो गाइस अगर आप शर्मिला दी को नहीं जानते हो तो उनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो उनके चैनल को जाकर जरूर चेक कीजिए, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है गाइस, सो आपको जरूर पसंद आने वाला है। सो उसके बाद हम मुड़ते हैं अपने वीडियो के ऊपर। सो गाइज अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लगे तो मेक श्योर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको कोई भी इंस्पायर्ड मेकअप लुक देखना है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो वो मैं इंस्पायर्ड मेकअप लुक ट्राई करूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी किस तरह से करती हूँ वो सब कुछ। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करने वाली हूँ सिटियम प्रोसेस। तो सिटिंग प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे पहले लगा रही हूँ टोनर। तो मैंने कुछ नहीं लगाया था सुबह मैं यहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सुबह कुछ नहीं लगाता था, सिटिंग प्रोसेस नहीं की थी। सो सबसे पहले मैं टोनर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना बेस जो है ना वो फ्लॉलेस चाहिए, तो इसीलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा फेस क्रीम है ना, तो वही मैं अपने मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से उसे आपको मतलब मॉइस्चराइज कर लेना है अपने फेस के ऊपर और फिर आपका मेकअप आपको स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना जो प्राइमर है उसे ले रही हूँ और जहाँ जहाँ ओपन पोर्स है वहाँ मैं प्राइमर को लगा रही हूँ और मैं उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ कंसीलर। अंडर आई पे अपना कंसीलर लगा के जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ कंसीलर लगा रही, उंगली से ही मैं अपना ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपको कंसीलर लगा लेना है आईलिड के ऊपर, अंडर आई पे अच्छी तरह से लगा लेना है, क्योंकि अगर डार्क एरिया विजिबल हुआ तो मेकअप आपका अच्छा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मेरे पास मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन है उसकी कुछ बूंदे लेके अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से फैला रही हूँ। और फिर जो मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है, मतलब स्पंज है, आपको अच्छी क्वालिटी का स्पंज लेना है और अच्छी से आपको उसे ब्लेंड कर लेना है, धीरे धीरे ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड दिखाया है लेकिन मैं यहाँ पे धीरे धीरे ही कर रही थी। जहाँ जहाँ आपने फाउंडेशन लगाया है वहाँ आपको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद उसे सेट कर लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर से, नहीं तो वो केकिक सा दिखने लगेगा। सो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट पाउडर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कॉन्टोर। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे शुगर कलर कॉन्टोर लिया है। जो भी यहाँ पे मैंने लिया है उसका शेड या फिर प्राइस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद जहाँ जहाँ कॉन्टोर करना चाहिए वहाँ मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। आपको तो पता ही वहाँ कहाँ कॉन्टोर करना चाहिए, सो वही मैं आप कॉन्टोर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मेरे पास मोर्फे का जैकलिन हिल पैलेट है उसी से मैं अपने आईलिड के ऊपर वाला जो मतलब आईलिड पे मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कौन सा शेड चूज़ किया है और उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। उसी तरह से आपको भी ये लुक क्रिएट करने के लिए उसी तरह से मेकअप स्टार्ट करना होगा और अच्छी तरह से आपको उसे ब्लेंड कर लेना है और अच्छी तरह से उसे आपको एक अच्छी सा लुक मिल जाएगा। जो कलर मैंने चूज़ किया है उसे मैंने अपने वाटर लाइन के नीचे भी लगा लिया है और उसके बाद मैं अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर रही हूँ और मैं उसे काजल पेंसिल जो है उसी तरह से अच्छी तरह से जो आईलाइनर है वो ड्रॉ कर रही हूँ। मतलब काजल प्लस आईलाइनर पेंसिल है मेरे पास, उससे से मैं अपना एक अच्छा सा आईलाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। जिस तरह से शर्मिला दी ने आईलाइनर ड्रॉ किया था उसी तरह से मैं भी यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। सो आपको क्या करना होगा, इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी टिप बनानी होगी एक अच्छा सा लुक आने के लिए, शर्मिला दी की तरह लुक आने के लिए। यहाँ पे मैंने पहली बार ही मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छी सी टिप, देखते हैं आती है या नहीं आती है। अब मैं वही पेंसिल लेके अपने वाटर लाइन के ऊपर काजल की तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब काजल रखा रही हूँ उसी आईलाइनर पेंसिल से या फिर उसी आईलाइनर प्लस काजल पेंसिल से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो आईलैश कलर है उससे आपने आईलैश कर लिए है। आपको क्या करना होगा कि 5 सेकंड रुकना होगा, आईलैश करना छोड़ना होगा, इस तरह से आपको 2 बार करना होगा, आपके आईलैश अच्छी तरह से कर्ल हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास जो वॉल्क फ्री मतलब ब्लू हेवन का मस्कारा है उससे मैंने अपने मतलब जो
आईलैश होते हैं उन्हें वॉल्यूम दिया है, नीचे के आईलैश या फिर ऊपर के आईलैश होते हैं उन्हें दोनों तरह का वॉल्यूम दिया है। और जिस तरह से मैंने एक आईज़ को बनाया है का मेकअप किया है, उसी तरह से मैंने दूसरा आईज़ का भी मेकअप कर लिया है। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करके जो आईलिड्स है वहाँ पे थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट, वाइट शिमरी इफेक्ट आने के लिए वहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। आपको थोड़े हल्के हाथों से ही प्रेस करना है और आपको एक अच्छा सा लुक निखर के आने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ब्लश है उसे लगा रही हूँ। सो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ स्टे कुर्की का ब्लश, मैं शेड नंबर है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ ऊपरी हिस्सा है वहाँ वहाँ आपको हाइलाइटर लगाना है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ हाइलाइटर कैसे लगाना है, उसी तरह से आपको हाइलाइटर लगाना है, अच्छा सा ग्लो निखर के आता है गाइज। और हाँ गाइज, मेरी जो वॉइस है उस पर मत जाइए क्योंकि थोड़ा सा गला ख़राब है, सो इसलिए वॉइस इतनी गंदी आ रही है, सो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। और फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को सेट। सो आपको अच्छी तरह से आपके आईब्रोज सेट कर लेने हैं, नहीं तो वो लुक जो है ना वो अच्छी तरह निकल के नहीं आता है या फिर अच्छा सा नहीं दिखता है। सो इसीलिए आपको एक अपने आईब्रोज अच्छी तरह से सेट कर लेने हैं, उसी तरह से मैं भी कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मेरे पास लिपस्टिक है ब्लड रेड, उसका इस्तेमाल करके लिपस्टिक लगा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये शर्मिला चक्रवर्ती मतलब शर्मिला दी का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए और फिर सारे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक में। सो टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।